हे दियर, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन। एंड आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के अंदर जो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसी के अंदर एक क्लास है क्यूनोलॉन्स। सो क्यूनोलॉन्स की जो डिस्कवरी हुई थी 1960s के टाइम पे हुई थी। सबसे पहली जो ड्रग इसमें यूज करी गई थी वो थी नैलिडिक्सिक एसिड। सो ये नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग थी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए सबसे ज्यादा यूज होती थी, थोड़ी बहुत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी यूज होती थी। और इसका यूज बेसिकली उस टाइम पे किया जाता था सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन में और अगर किसी को डायरिया है तो उस केस में। बहुत ही लिमिटेड इसका यूज उस टाइम पे था। फिर 1980s के टाइम पे रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि अगर हम क्यूनोलॉन्स में अगर हम फ्लोरो ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कई फोल्ड्स बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ रही थी एंटी बैक्टीरियल जो थी। तो इस वजह से बने थे हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स फ्लोरोक्यूनोलॉन्स। ठीक है, इसके अंदर ड्रग्स थी नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और पेरफ्लोक्सासिन। ये नाम आपने सुने ही होंगे। इन सारी ड्रग्स में क्या था कि जो हमारी क्यूनोलॉन की मॉइटी है उसके साथ फ्लोरिन ग्रुप को ऐड कर दिया गया था, एक या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा फिर जब सेकेंड जनरेशन ड्रग्स आई तो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स बनाने के लिए रिसर्चर्स ने क्या करा कि उस क्यूनोलॉन मॉइटी में फ्लोरीन ग्रुप को तो ऐड करा ही, साथ में अदर ग्रुप का भी सब्स्टिट्यूशन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहली बात तो इसकी जो एक्टिविटी थी एंटी बैक्टीरियल वो कई फोल्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसकी रेसिस्टेंस बहुत स्लोली डेवलप होती है। उसके अलावा ये देखा गया था कि इनका जो ADRs है, जो इनके एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे वो बहुत कम थे। इसकी वजह से जो इसका यूजेस था वो वाइड वैरायटी ऑफ डिजीजेस के लिए किया जाने लगा। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स है, सेकंड जनरेशन ड्रग में आ जाती है लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लेमोफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, स्पेरिफ्लॉक्सासिन और फ्लोरीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि फ्लोरोक्यूनोलॉन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स बेसिकली जो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज है उसे इनहिबिट कर देते हैं। एक तरीके का वो टोपोइसोमरेज 4 टाइप का प्रोटीन होता है जिसका मेन काम होता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग करना। अब डीएनए की सुपर कॉइलिंग क्यों जरूरी है, जैसे सपोज ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल, वो डिवाइड हुई हमारे दो बैक्टीरियल सेल में, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें भी नया नया डीएनए बना है। ठीक है, तो अब इस डीएनए को अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्ट्रेंड्स होती है, तो अगर खुला छोड़ देंगे तो वो उलझ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, सपोज ये रील है, ठीक है, ये जो तागा है ये डीएनए है। ठीक है, अगर इसे खुला छोड़ेंगे तो ये उलझ जाएगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉइल करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से इसे बांध के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नॉर्मली इसको जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करने के टाइम पे मेरी फिंगर्स है जो इसे फोल्ड कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही इस डीएनए को कॉइल करने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए सही तरीके से ये फोल्ड हो पाए और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आकर के सेव हो सके, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा डीएनए गायरेज। ठीक है, जो कि किससे बनता है, टोपोइसोमरेज 4 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये डीएनए गायरेज अगर इनहिबिट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए की सुपर कॉइलिंग रुक जाएगी, मतलब कि जो डीएनए था अभी जो आराम से कॉइल हो रहा था अब वो उलझ जाएगा। अब डीएनए अगर उलझ गया तो उस केस में क्या होगा कि डीएनए खराब हो गया, डीएनए खराब हो गया यानी कि सेल भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाएगा, यानी कि बैक्टीरियल सेल इनहिबिट हो जाएगी, किल हो जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिक मैकेनिज्म है हमारे फ्लोरोक्यूनोलॉन्स का। नैलिडिक्सिक एसिड भी सेम इसी मैकेनिज्म पे काम करते थे, बट उनमें क्या था कि उनकी रेसिस्टेंस बहुत जल्दी हो जाती थी और उनका जो जो उनकी पोटेंसी थी काम करने की वो बहुत स्लो थी। लेकिन जैसे ही उनको फ्लोरोक्यूनोलॉन्स बनाया गया तो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स की जो पोटेंसी थी बहुत ज़्यादा थी हमारे जो बैक्टीरियल साइडल एक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि वो टोपोइसोमरेज 4 के लिए हाईली ससेप्टेबल थे, यानी कि जाकर के सिर्फ टोपोइसोमरेज 4 को ही इनहिबिट करेंगे। ह्यूमन के अंदर भी सेम डीएनए को सुपर कॉइलिंग करने के लिए टोपोइसोमरेज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो टोपोइसोमरेज 2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स है उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि टोपोइसोमरेज 2 के लिए इनकी ससेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्टली फ्लोरोक्यूनोलॉन्स की ADRs की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अभी हम यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके यूजेस जो है वो बाकी ड्रग्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। ऑल्दो हम बहुत सारी ड्रग्स को यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे नॉरफ्लोक्सासिन को हम UTIs में यूज़ करते हैं, डायरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओफ्लोक्सासिन को हम यूज़ करते हैं, और जैसे भी आप आगे पढ़ेंगे TB के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, बैड टेस्ट, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, लैक ऑफ हंगर। उसके अलावा हेडेक, रेस्टलेसनेस होना, एंजाइटी होना, इंसोमनिया, ट्रिमर्स, सीजर्स और हाइपर सेंसिटिविटी होना, ठीक है। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली सीएरएस से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हेडेक, रेस्टलेसनेस होना, एंजाइटी होना, इंसोमनिया होना, ट्रिमर्स आना, सीजर्स आना, ये सारे सीएनएस से रिलेटेड है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कुछ लोगों में ये शो कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग इंट्रैक्शन पे, तो ये एक तरीके की एंजाइम इनिबिटर ड्रग है। एंजाइम इनिबिटर यानी कि एंजाइम्स को इनिबिट कर देगी, जिसकी वजह से बाकी अगर कोई ड्रग इसके साथ ली जा रही है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाएगा और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन, कैफीन और वॉल्फ्रिन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इनको नसेट्स के साथ दिया जाए तो ये जो सीएनएस टॉक्सिसिटी दिख रही थी ये सारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर इसको एंटासिड के साथ दिया जाए तो फ्लोरोक्विनोलोन्स का एब्जॉर्प्शन काफी स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंटासिड एसिडिटी को कम कर देगी, मतलब एसिडिटी एसिड को न्यूट्रल कर देगी, और जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स है तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है वह एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके यूजर्स पे, तो यूटीआई में इसको यूज करा जाता है, गोनेरिया में यूज करते हैं, ठीक है, ये भी एसटीडी के अंदर आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके अलावा कैनक्रॉइड्स में यूज करा जाता है, जैसे माउथ अल्सर होता है, स्टमक अल्सर होता है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास अगर अल्सर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैनक्रॉइड्स। उसके अलावा इसको गेस्ट्रो एंट्राइटिस में यूज करते हैं, यानी कि जब स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस टाइम पे। उसके अलावा टाइफाइड में हमें पता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, उसमें यूज करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ बोन, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, इन सबके इन्फेक्शन में। उसके अलावा गायनोकोलॉजिकल अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी यूज करा जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज करते हैं, टीबी के लिए यूज करते हैं, मेनेंजाइटिस बेसिकली मेनिंजीज एक लेयर होती है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का पूरा ऐसे लेयरिंग करती है, कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया, वायरस वगैरह उसको इन्वेड करने से रोकती है, मतलब वो इजीली हमारे ब्रेन पे एंटर नहीं कर सकता है, उसके लिए वो मेनिंजीज लेयर होती है। बट अगर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया उस लेयर पे एंटर करने की कोशिश करे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर दे, इन्फेक्शन कर दे, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कंजेक्टिवाइटिस, कंजेक्टिवा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड आई विल आंसर देम एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।